दोस्तों, जब भी बात आती है टीवी इंडस्ट्री की खूबसूरत प्रेम कहानियों की, तो उसमें साल 2013 में स्टार प्लस पर प्रसारित हुए सीरियल सरस्वती चंद्र का नाम तो आता ही है, जिसमें सरस और कुमुद की प्रेम कहानी ने दर्शकों को इस जोड़ी का दीवाना बना दिया था। साथ ही जिस तरह इस शो के हर एक कलाकार ने अपने किरदारों में खुद को परफेक्ट साबित किया था, तो वहीं शो के टीआरपी को हर एक शो से सबसे ज्यादा आगे लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन दोस्तों, इस सीरियल को खत्म हुए आज काफी साल बीत चुके हैं, और इसलिए इन बीते सालों में शो में काम करने वाले कलाकार काफी ज्यादा बदल चुके हैं, जिसके चलते आज उन्हें एक नजर में पहचान पाना भी मुश्किल है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं बदले हुए कलाकारों के आज से रूबरू कराने वाले हैं। तो देर किस बात की, आइए जानते हैं उन स्टार्स के बारे में। नंबर एक, मोनिका बेदी। जी हाँ, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम शामिल है अभिनेत्री मोनिका बेदी का, जिन्हें आपने शो में गुमान के किरदार में देखा होगा, जिनका ये किरदार यूं तो नेगेटिव था, पर इसके बावजूद इन्हें दर्शकों द्वारा काफी ज्यादा तारीफें हासिल हुई थी। लेकिन अगर बात करें इस किरदार में नजर आने वाली अभिनेत्री मोनिका बेदी के आज के बारे में, तो आपको बता दें कि अपनी 46 साल की उम्र को पूरा कर चुकी है, और उम्र में भी आज काफी ज्यादा ग्लैमरस और स्टाइलिश नजर आती है। वही बात करें इनकी निजी जिंदगी के बारे में, तो इन्होंने टेररिस्ट और डॉन अबू सलीम से शादी की थी, जो उम्र कैद के चलते जेल में बंद है। इसलिए मोनिका बेदी आज अकेले ही मुंबई में अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। नंबर दो, वरुण कपूर। डैनी व्यास के किरदार को पर्दे पर पेश करने वाले अभिनेता हैं वरुण कपूर, जिन्होंने अपने हर एक किरदार की तरह इस किरदार को भी काफी अच्छे से पर्दे पर उतारा था, और दर्शकों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो गए थे। पर अगर बात करें इनके आज के बारे में, तो आपको बता दें कि वरुण कपूर आज अपनी 33 साल की उम्र को पूरा कर चुके हैं। आपको बता दें कि इस 33 साल की उम्र में आज ये पहले के मुताबिक काफी ज्यादा हैंडसम हो चुके हैं। वही बात करें इनकी जिंदगी के बारे में, तो आपको बता दें कि इन्होंने साल 2013 में धन्य कपूर से शादी की थी, और इनकी शादी को आज 10 साल हो चुके हैं। नंबर तीन, शाइनी दोषी। कुमुद की छोटी बहन कुसुम के किरदार में नजर आने वाली अदाकारा हैं शाइनी दोषी, जिन्होंने अपनी अदाकारी और खूबसूरती से हर किसी को अपना दीवाना बना लिया था। वही बात करें अभिनेत्री शाइनी दोषी के आज के बारे में, तो आपको बता दें कि शाइनी दोषी आज अपनी 31 साल की उम्र को पूरा कर चुकी हैं, और इसी के चलते आज इनमें काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं। जहाँ शो में ये साड़ी और गुजराती लिबास में देखने को मिली थी, तो वही आज ये काफी ज्यादा स्टाइलिश और ट्रेंडिंग कपड़ों को पहनती है। नंबर चार, जेनिफर विंगेट। अब बात हो रही है सरस्वती चंद्र शो के कास्ट की, तो उसमें भला अभिनेत्री जेनिफर विंगेट कैसे पीछे रह सकती हैं, जो कुमुद के किरदार से हर एक घर में नाम बन गई थी। लेकिन अगर बात करें इनके आज के बारे में, तो आपको बता दें कि अपनी 35 साल की उम्र को पूरा कर चुकी हैं, जिन्हें आज पहली नजर में पहचान पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि जहां ये इन्हें शो में सादगी भरे अवतार में देखा गया था, तो वहीं आज ये काफी ज्यादा ग्लैमरस हो चुकी हैं, और एक तस्वीर में पहचान पाना इन्हें बेहद ही मुश्किल है। नंबर पाँच, गौतम रोड़े। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में अपना नाम शुमार कराने वाले अभिनेता हैं गौतम रोड़े, जिन्हें शो में सरस की भूमिका पर्दे पर निभाते हुए देखा गया था, जिन्होंने जेनिफर विंगेट के साथ अपनी लव केमिस्ट्री उतार कर सभी को अपना दीवाना बना लिया था। लेकिन अगर बात करें गौतम रोड़े के आज के बारे में, तो आज ये अपनी 43 साल की उम्र को पूरा कर चुके हैं, जो इस उम्र में पहले के मुताबिक काफी ज्यादा हैंडसम नजर आते हैं। तो दोस्तों, इन सभी कलाकारों के आज से रूबरू होकर आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही छोटे पर्दे से जुड़ी ऐसी ही चटपटी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।